वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज इत्थे सिख पंथ दे महान विद्वान ते वकील साहबान उन्हां दी एक बैठ के कोआर्डिनेट ढंग दे नाल एक बैठक हुई, जिहदे विच हर एक वकील साहबान ते सिख विद्वान ने अपने अपने विचार दित्ते आ, जिन्हां विच मुख तौर ते साडे कोल डॉक्टर बलकार सिंह जी पटियाला, डॉक्टर केर सिंह जी पटियाला, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी गोगवाणा, उन्हें लिख गोगवाणी उन्हें अपना लिख के भेजा, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, सरदार जगतार सिंह जी पत्रकार, तलविंदर सिंह जी बुटर, डॉक्टर परमवीर सिंह जी, सरदार गुरदर्शन सिंह बाइया, सरदार हरभजन सिंह जी देहरादून, सरदार सतनाम सिंह जी माणक उन्हें अपना अज लेख भी लिखा तो मैनू भी भेजा, इस तरह स्टडी सर्कल लुधियाणा तो बरिंदरजीत सिंह भंडारी साढ़े, ये सारे अज आ के इन्होंने अपने विचार रखे आ। इन्हों तो अलावा साढ़े जेडे रनाउंड एडवोकेट जेडे होंदे नहीं, जिन्हों 40-40 साल 42-42 साल हो गए, कई बार बंदा अक थक जाता, पर मैं इन्हों वकीलों की भी दाद दिना, ये एक साढ़े कौमी हीरो जेडे जेलों च बैठे आ, पर ये वकील जेडे आ भी धन धन के योग आ। इन्होंने वो लीगल लड़ाई 40-42 साल तो लगातार आरंभी हुआ तो अज भी आरंभी आ। सोढ़ी साहब सरदार बरजिंदर सिंह मेरे च बैठे आ, और अचेचे तौर पर सरदार राजविंदर सिंह जी बैंस, सरदार जसपाल सिंह जी मांझपुर, सरदार बलजिंदर सिंह जी सोढ़ी, हरीश राज टांडा जी, सरदार अमरदीप सिंह जी धारनी, सरदार अर्शदीप सिंह जी कलेर, बीबी प्रनीत कौर शेखों, सरदार बलतेज सिंह ढिल्लों, तो होर भी सारे इन्होंने मुख तौर के उत्ते सारिया ने अपने अपने विचार रखे। चार पांच गल्लां जिहड़ियां उभर के सामने आईयां सारिया तो, क्योंकि अज की ये जिहड़ी इत्थे मीटिंग रखी सी, क्योंकि असी सोचते सी कि एक कौमी पद्धर ते सैमीनार टाइप दे विच बहुत सारिया दखण दियां भी आ जिहड़ियां जथेबंदियां जिहड़ियां ह्यूमन राइट्स ते वर्क करदियां, इंटरनेशनल पद्धर ते भी वह वर्क करते आ, उन्हां भी सारिया नुमाइंदियां नूं सारिया नूं एक बारी कंटैक्ट करके ते समुचे सिख विद्वानां नूं चाहे देश च आ चाहे विदेश च आ, वह सारी उत्थे एक बैठक जिहड़ी आ सद्दी जाऊगी छेती, उहदी डेट असीं छेती अनाउंस कर देंगे, ता कि वह वड्डे पद्धर दे उत्ते ये जिहड़ा कौमी दर्द आ इहदे उत्ते बैठ के सारा जिहड़ा वह मुलांकन किया जा सके। मुख तौर दे उत्ते क्योंकि सारे ही जिन्हें भी साढ़े बंदी सिंह आ वह बेचारे सारिया की रिहाई होनी चाहिए आ, पर मुख तौर पर क्योंकि पिछले दिन ही भाई बलवान सिंह जी राजोवाणा उन्होंने दो चिट्ठियां श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार नूं लिखियां, जिहदे विच उन्होंने फोकस किया कि मेरी जिहड़ी पटीशन मरसी पटीशन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पाई आ वह जिहड़ी आ श्रोमणी कमेटी वापस लवे। असीं हुण एक दो दिनों के चौंते जतन करके असीं उन्हां नूं जाति तौर पर मिलन भी जा रहे हैं ता कि उन्हां दे नाल बैठ के सारा ये विचार वटांदरा हो सके। सो एक तो ये साडा सारिआं दा एक मुद्दा सी, ते उहदे विच एक गल उभर के सामने सारिआं ने आई कि सेंट्रल गौरमेंट नूं एक नोट्स दिता जाए कि साडा फलां डेट तक जिहड़ा इहदा फैसला करो, क्योंकि बहुत बड़ा समा लम्मा समा हो गया। ये भी गल एक उभर के सामने आई कि वख वख देश दियां जेलां विच वख वख समय रिहाई की जिहड़ी वह सरकारां ने की, चाहे सेंटर ने की, चाहे गवर्नर ने की, चाहे स्टेटां ने की, ठीक है वह भी हो गई, तो साढ़े इन मसलों पर भी जिहड़ियां मौके दियां सरकारां आ वह ये भी अपने उन्हां दी सुनवाई करके उन्हां नूं तुरंत जिहड़ी वह राहत दी जाए। सो नोट्स एक जिहड़ा आ वह भेजण दा सारिआं बुलारिआं ने कहा भी एक नोट्स तुरंत भेजा जाए। दूजा ह्यूमन राइट्स जिहड़े ह्यूमन राइट्स आ, ह्यूमन राइट्स दियां जिहड़ियां संस्थावां आ चाहे वह देश च आ विदेश च आ उन्हां नूं भी
एक अपील करते सारे कि तुसी भी ये बंदी सिंघां दे मसले दे विच सारे एप्लीकेशन लिख के वो ह्यूमन राइट्स की जिहड़ी हो रही वायोलेशन आ उहनू रद्द कर ले सारे अपनी अपनी रिप्रजेंटेशन देन ते सारे जिहड़ी नवीं डेट असीं रखांगे उहदे विच सारे आके शमूलियत भी करन। एक जिहड़ा होर वड्डा मसला जिहड़ा डॉक्टर बलकार सिंह होणा वल्लों सी कि एक ईमेल सारे जिहड़े विदेशी सिख आ क्योंकि पहला जदों असीं सिग्नेचर मुहिम शुरू कीती सी साढ़े को 35,000 लोगों ने वो बाहरों सिग्नेचर करके भेजे सी। अज ये फैसला होया कि वो बाहरले सिखा नूं समूहिक तौर पर तुहाडे जरिए अपील की जाती है कि सेंटर गौरमेंट नूं वध तों वध ईमेल करन हर एक सिख चाहे परिवार दे जी आ चाहे होर आ जिथे जिथे भी किसी मुल्क च रहिंदे आ ये बंदी सिंघां दी रिहाई की कंसेंसस बनाई जाए तो सेंटर गौरमेंट नूं इन्हां दे पोर्टल से ईमेल के उत्ते जिहड़े आ वध तों वध जिहड़ी आ ईमेल भेजी जाए। तो उस तों इलावा एक मेन होर मुद्दा जिहड़ा वो सीगा वी जिहड़े साडे सिख हीरो आ क्योंकि बहुत सारे गाह नवें जंबे बच्चे उन्हां नूं पता ही नहीं वी मुद्दा की आ ये सारिआं ने कंसेंसस कीती आ वी इन्हां दी इक फिल्मांकन बनाया जाए फिल्म बनाई जाए फिल्म इन द सेंस कि वो सारे जिन्ना मीडिया आ उसदे मीडिया के उत्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी खर्च करे वो एड के रूप में दसिया जाए भी किहड़ा 35 साल का अंदर 33 साल का अंदर आ किहड़ा इन्ने चिर का अंदर आ किहड़े इन्ने चिर का अंदर आ। डाकूमेंटरी टॉप पिछले असीं एक बनाई भी सी वो फिल्म भी बनाई जाए तो एक मीडिया के तौर पर एड के तौर के उत्ते वख वख मीडिया के चाहे सोशल मीडिया आ चाहे तुहाडा आ सैटेलाइट चैनल आदि भी जोड़ा आने सारिया का जोड़ा आ वो प्रचार किया जाए। सो मुख तौर के उत्ते जिहड़ियां चार पांच साड़ियां सीगियां एक सगा पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्योंकि आ जिन्ने अज इत्थे सारे आए आ ये सारे वख वख जथेबंदियां ते ह्यूमन राइट्स से काम करते और वो सारिया ने कहा भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया जाए क्योंकि साढ़े कई बार होंदा की आ भी असीं प्रोग्राम एक तय करते हैं वो प्रोग्राम ठोसो के रह जाता क्योंकि कोई ना कोई विचों निकल जाता। इन्ह सारिया ने कहा भी आपां एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो सिर्फ बंदी सिखा दा इहदे विचों कोई किसी ने क्रैडिट नहीं लेना भी जो कोई बंदा कहे भी मैं ही क्रैडिट लेना कॉमन एक मिनिमम प्रोग्राम बना के वो सारा इहदा छाया कर दिता जाऊगा। सो मुख तौर के उत्ते अज ये सारे विद्वाना ने ते सिख वकीलों ने अदर दैन सिक्स भी जिहड़े आए अज इत्थे उन्हां सारिआं ने बैठ के जिहड़ी सारी अज दी ये गुप्तगू की आ। सो अगला हुण उत्थे फिर क्योंकि ठीक एक सोढ़ी साहब ने सुझाव दिता भी अंबरसर करन दी बजाए इत्थे इस पेस के बाहरले पासे साडे को पार्क हैगा उत्थे कर लिया जाए क्योंकि जिहड़े कोई आउंदे आ देश दे विचों वी उहनां नूं इत्थे आउणा सखाला भाई ये आ सकदे आ ते असीं जतन करांगे कि वध तों वध साढ़े जिन्हें भी ह्यूमन राइट्स से चाहे वह साउथ दे आ चाहे ईस्ट दे आ उन्हां सारिआं नाल संपर्क करके उन्हां सारिआं नूं सद्दा पत्र दिता जाए तां कि मीडिया च ये पता लगे कईआं नूं तां बेचारिआं नूं पता ही नहीं ते कई साढ़े कई बार ये भी हुंदा कि सिख मुद्दा करके इन्हां नूं कट दिता जांदा ये भी कंसेंसस अज आई आ भी सिख मुद्दा ठीक आ भी सिख मुद्दिआं नाल संबंधित आ ते साढ़े ये कौमी हीरो अंदर बैठे आ पर ये कोई जात ले नहीं बैठे इन्हें कोई जाति नहीं कोई बार्डर कितने कोई जाति नहीं होंदा कई बार किया आ कोई परसनल एनमिटी नहीं कढ़ी ये इन्होंने उस वेले जो होया साढ़े नाल ते कई बार मैं देखदा अज भी जिले बीबिया वो 1984 दे उसे जिहड़ा कतलेआम होया जिले आउंदियां बेचारियां अपनी पीड़ा दसदियां ते बंदा पसीज जांदा किवें सचखंड श्री दरबार साहब नूं टारगेट किवें श्री अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी किया ते किवें उत्थे दीआं जिहड़ीआं कीमती वस्तुआं सी उहनां नूं तहस नहस किया। सो ये एक जिहड़ा होर इहनी बैठ के जिहड़ा फैसला किया सी जिहड़ा मेरे तों रहि गिआ कि एक खरड़ा तैयार किया जाए वो असीं सरदार जसपाल सिंह मांझपुर साहब वो क्योंकि सारिआं केसां नाल बहुत डीपली तौर दे उत्ते कंसर्नड आ भई किहड़े किहड़े जिहड़े बंदे इस देश दे विच कदों कदों जिहड़ी आ उहनां नूं रिलैक्सेशन दित्ती आ एक दो दा एग्जाम्पलां साडे सामने भी आईआं
ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਦੀ ਆ। 23 ਤਰੀਕ 22 ਅਤੇ 23 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੜਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਲੈਬੋਰੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਰੇ ਆਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਇਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਭੇਜੂਗਾ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਇਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਗਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਹਰੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੀ ਧੋਊਗਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਏ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ,
चार बजे महाराज प्रकाशमान होंगे ते तेजी दे नाल जी एक्शन होया पिछे को भावना तो होगी शुरुआत हो गई। देखो पहला भी असीं जतन किए उदों जतना दे विच असीं कामयाब नहीं हो सके। वह कमेटी बनी 11 मैंबरी उहदे च असीं लाया सी होर वकील ते होर जथेबंदियां पावांगे पर वो किसी सिटे से पहुंचने तो पहले जी तो मेरे तो बेहतर जान दे टुट गई। तो हूँ भी असी देखो मैं तो आप उ गया समझे इस करके साढ़े तो सारे खुला आ कोई किसी ने क्रैडिट लैन की गल नहीं। जे तुम कोई बंदा क्रैडिट लेना चाहूगा लोग बड़े आ सियाने एक कमेंट थोड़ी इंट्यूशन थोड़ी इंटेंशन पढ़ लेंगे बंदे अपना नेरा होंगे पर लोगों को कोई नेरा नहीं होंगे पिछे की भावना है। देखो मैं जी हम जिथे बैठे हाँ इतने निश्चय अकैडमी है देख सकते हैं 50 बच्चे असी तो इस भावना मैं तो शुरू तो इस रहा था रहा पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह जी टौड़ा कहते होंगे घट्टो घट एक जिले च एक डीसी सरदार से एक SSP सरदार हो गए तो लोगों कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं प्रॉब्लम आती भाई डिप्टी कमिश्नर सारा पता भी इतने का कल्चर की है तो SSP ये लोगों के सुभा का पता सो साड़ी तो शुरू तो रही है इस करके तो अभी हम करते भी जो बाहरों आता जी सद के वह बेचारा अलॉट हों कैडर अलॉट हों भी IS IPS के तो बड़े एग्जामा के निकल के आते पर उन्होंने तो इतने पढ़ते पढ़ते बेचारे पहला पंजाबी सीखते हैं फिर उस तो बाद कई बार अपना कल्चर सीखने टाइम लग जाता इस करके साड़ी तो पहला तो रही है भी ये पंजाब के बच्चे जेडे दस्तारधारी वो प्रमोट होने चाहिए इस करके निश्चय अकैडमी शुरू की। देखो एदा होंगी जिसले 4-6-10 टब्बर का भी अजकल तो सुभा नहीं मिलता ए बहुत सारे वकील साहबान जेडे अपने आगे थोड़े विद्वान ऑलरेडी सोशल मीडिया से भी प्रिंट मीडिया से भी अपने पाते डॉक्टर केर सिंह होनी पाते डॉक्टर बलकार सिंह होनी पाते साढ़े सोढ़ी साहब बैठे आ दो वकील साहबान चल गए ये सारे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो यह तो असं एक कंसेंस बनाई है क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेबंदी है सिख कौम की भी क्योंकि ये को अपने माली या होर दूजे साधन है उन्होंने तहत आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आप इतने तक कट्ठे होना वो कट्ठे होने का मकसद सिर्फ बंदी सिंह की रिहाई तक।